168 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को देश में 168 नए कोरोना वायरस मामलों की घोषणा की। नए मामलों में से 41 ओमानी हैं और 127 प्रवासी हैं। सल्तनत में पंजीकृत कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2,903 है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार इस संख्या में 888 मरीज भी शामिल हैं जो अभी स्वस्थ हैं और 13 मौतें हुई हैं। फर्जी खबर। सरकार ने कोविड-19 अनुबंधित एक बैंक कर्मचारी के बारे में अफवाहों का खंडन किया है। ओमान सरकार संचार केंद्र ने एक बयान में कहा, हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सलाला में एक बैंक शाखा में कोविड-19 संक्रमित एक महिला कर्मचारी के बारे में जो कुछ प्रसारित किया जा रहा है वो एकदम गलत है। अधिकारियों ने सभी को अफवाहों को प्रकाशित न करने और विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेने के लिए कहा है। उत्तर अल बतीना में पहली मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर अल बतीना में कोविड-19 के कारण मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कोरोना वायरस मॉनिटरिंग ऐप तारसुद पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि ये मौत मस्कट के बाहर सिविक में हुई है। उत्तर अल बतीना में कुल कोविड-19 मामलों का एक तिहाई हिस्सा है, जिसमें मस्कट और दक्षिण अल बतीना इसके आगे हैं।